तो साथियों देखिए हमारे गांव के हैं जीत, लोग कहते हैं इंद्रजीत नाम है इनका। और देखिए तमाम लोग चाय की दुकान पर अभी बैठे हैं सुबह का टाइम है। देखिए इधर देखिए आपको दिखा रहे, देखिए जल गया है। और यही तो क्या हुआ था, कल कैसे जला था बताएं। सुतते तो हमारे मन नहीं के लस नहीं सुतली। हां लेके बिछौना टंकी पे गई ली। हां गुल भड़काली लेके आईले कहनी बारात वाले, बारात वाले अदल की। हां कहनी ना भड़काओ सो कह कुल का भइल का धो ली। हां ए बताइए बगल में टंकी है, पूरा टंकी है धरा दे। हां ओकरे बाद ओमे से चिंगारी निकलल, बड़े जरे लगल, बड़े जरे लगल। ई को उतनी समय हवा शांत रहल, हवा शांत रहल, गांव के लोग रहल 10-20 लोग बुताए सब। देखिए इधर आपको दिखा रहे, देखिए बगल में पेट्रोल पंप है, देखिए यही पेट्रोल पंप है। तमाम गाड़ियां भी कल खड़ी थी लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में इतना जागरूकता नहीं है। लोग इतने मतलब कहीं ना कहीं लापरवाह हैं लोग कि बारात में भड़काड़ी भड़काने के चक्कर में, अतिशबाजी करने के चक्कर में इनकी झोपड़ी जला दिए। जैन साथियों आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों अभी हम अपने गाँव में हैं, जो हमारे गाँव का पेट्रोल पंप है मदनपुरा का पेट्रोल पंप, उसी के बगल में एक चाय की दुकान है। और कल हमारे गांव में एक बारात आई थी और बारात में जो बाराती लोग थे वो पटाखा लेकर आए थे। और गर्मी के मौसम में साथियों इतना तेज़ तापमान है, अगर थोड़ा सा भी कहीं पर आग लग रहा है, कहीं पर भी लुत्ती निकल रहा है तो आग लग जा रहा है। और देखिए इधर बारात कल आया था, तमाम लोग मना किए कि आप लोग पटाखा मत जलाइए क्योंकि आग लग सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बाराती लोग थे नहीं माने। और जिसका परिणाम ये रहा कि देखिए इधर आप जो भी पीछे हमारे झोपड़ी आपको दिखाई दे रहा है इसमें आग लग गया था। और देखिए तमाम सारा सामान भी जल गया है, झोपड़ी जल गई है। गलीमतें मनाइए कि उस दौरान जब आग लगा तो हवा जो तेज़ बह रहा था, दिन में हवा शांत था, अगर हवा तेज रहता तो सबका इधर मकान सबका जल गया होता, सबका जो भी दुकान है। और सबसे बड़ा यहाँ पर दुर्घटना होने की संभावना यह थी कि बगल में पेट्रोल पंप है। इधर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए बगल में ही पेट्रोल पंप है, तमाम गाड़ियां भी यहाँ पर खड़ी रहती हैं। अगर आग की लपटें तेज हुई होती है और पुरवा हवा अगर तेज बहा होता तो पूरा पेट्रोल पंप जल गया होता, आप समझ सकते हैं करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ होता कल। लेकिन लोग कहीं ना कहीं लोग बहबाई में कहिए या एक तरह से बारात में तमाम लोग दारू शराब पी कर आते हैं, किसी को अच्छा सलाह भी दीजिए तो नहीं लोग मानते हैं। और छोटा सा गलती अगर आदमी करता है तो उसका खमियाजा पूरा समाज भुगतता है। तो आप सभी से यही आग्रह कि अगर आप लोग बारात में जा रहे हैं, कहीं पर भी फंक्शन कर रहे हैं, तो इस गर्मी के मौसम में चूंकि तापमान बहुत हाई है, हर जगह तेज़ हवा पछुआ हवा बह रहा है, लू चल रहा है, और ऐसे में अगर कोई पटाखा फोड़ेगा, कोई तमाम तरह की आगजनी की जो भी चीज़ें अतिशबाजी करेगा तो इसका खमियाजा पूरा समाज भुगतेगा। और जब आग जलता है तो कुछ बचता नहीं है, पूरा राख हो जाता है, कितना घर में कीमती सामान हो सब जल जाएगा। देखिए इधर गरीब आदमी है, इसका झोपड़ी जल गया, बताइए कितना कई हज़ार का कहीं कहीं मजदूरी अब लगेगा इसको छवाने में, तमाम सामान भी जल गया है। आइए थोड़ा इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर में कल क्या घटना घटी। अगर थोड़ा सा भी हवा बहल रहा, लापरवाही बरतल रहा तो पूरा पेट्रोल पंप करोड़ों की संपत्ति जल गया कि नहीं रुक जाए। हाँ सबका जला होता इधर। हाँ बारात में गए झगड़ा करने लगे तो विजय मामा हम छवा देंगे। बताइए झगड़ा कर बोलने पर भी झगड़ा करने लगे, झगड़ा करने पाते हैं कि जब आग लगता है तो पता नहीं कितने लोग का मकान जलेगा, कोई दे पाएगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि जागरूक होने की जरूरत है। इस तरह के अगर कहीं बारात जा रहा है तो पटाखा अगर उससे अगर लोग नहीं जलाए तो सही है बात, सही है, लापरवाही ना बरतें, लापरवाही ना। हाँ लोगों का अगर कोई सुझाव लोग दे रहे हैं तो उसका कहीं कहीं सम्मान करने की जरूरत है। देखिए इधर आप भी ड्राइवर हैं, पहुँचे पहले आप ही पहुँचे, देखिए हाथ हमारा एक आपका कुचा गया, अगर थोड़ा सा भी अगर हवा बहा था तो आपकी गाड़ी भी जल गई होती, पेट्रोल पंप जल गया होता, जल गया होता, क्या किया जाए। तो यही है साथियों, वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि आप लोग थोड़ा जागरूक हो जाइए, नहीं तो इस तरह की लापरवाही अगर कोई बरतेगा तो बहुत सारे लोगों का संपत्ति जल जाएगा। और आप सभी से आग्रह कि अगर आप कहीं बारात में जाते हैं तो इस तरह से पटाखा आतिशबाजी नहीं कीजिए, नहीं तो जो भी गरीब जनता है आम जनता है, देखिए इधर तमाम सारा झोपड़ी है, अगर ये कहिए कि आग पर काबू पा लिया गया नहीं तो सबकी कहीं कहीं संपत्ति जल गई होती। तो आप सभी लोग जागरूक हो जाइए और इस तरह से पटाखा मत जलाइए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।